एकता महिला समिति द्वारा खुर्सीपार के विभिन्न वार्डों में करवा चौथ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। महिलाओं ने स्वयं अपने हाथों से पूजा से जुड़ी विभिन्न सामग्रियां तैयार की है, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ सजावट से परिपूर्ण है। करवा चौथ को लेकर एकता महिला समिति से जुड़ी महिलाओं ने व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को खुर्सीपार क्षेत्र में राजू चंदा के नेतृत्व में महिलाओं की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों को प्रदर्शित किया। महिलाओं द्वारा थाली, गिलास, कटोरी आदि की करी गई सजावट आकर्षण का केंद्र रही। पूजा सामग्रियों के सुंदर सजावट को लेकर अपना उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को राजू चंदा द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ एकता महिला समिति द्वारा विभिन्न तीज त्योहारों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी निरंतर किया जाता रहा है, जिसमें समिति से जुड़ी हजारों महिलाएं शामिल होती हैं। तीज पर्व, रक्षाबंधन और नवरात्र के बाद अब करवा चौथ को लेकर एकता महिला समिति की महिलाएं अध्यक्ष राजू चंदा के नेतृत्व में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्दी कुमकुम का आयोजन सभी वार्डों में किया जा रहा है। खुर्सीपार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में करवा चौथ को लेकर बैठक में शामिल होने आई महिलाएं पूरे साज श्रृंगार के साथ शामिल हुई। करवा चौथ में थाली, कटोरी और ग्लास सजाने को लेकर भी महिलाओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक अपनी सजावट की सामग्रियों को प्रस्तुत किया। करवा चौथ से जुड़ी सभी सामग्रियों को एकता महिला समिति द्वारा तैयार कराया गया था। गौरतलब है कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एकता महिला समिति द्वारा स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाता है। करवा चौथ में दिए, थालियों की सजावट, दीपावली पर्व में सजावट इत्यादि का काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। समूह की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वह स्वावलंबी होने के साथ अपने परिवार के संचालन में आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रही हैं। राजू चंदा ने बताया कि करवा चौथ को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। करवा चौथ में श्रृंगार और पूजा से जुड़ी सभी सामग्रियों को महिलाओं ने तैयार किया है, जिससे उनके भीतर छुपी प्रतिभा उभर कर सामने आई है। जैसे कि सिलाई मशीन होता है हमारे यहाँ पे, सिलाई मशीन, वो सिलाई मशीन भी अब यहाँ पे नहीं है वैशाली नगर में। और जो बेचारे हमारे देवेंद्र यादव जी सबके लिए भला करते हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पर भी हमारे वार्डों में दो मशीन दिया था, जो हर वार्डों में काम चल रहा है उसी मशीन से। तो ये उनका ही गॉड गिफ्ट है कि उन्होंने ही हम लोगों को दो साल से जो भी यहाँ के लिए भी हम लोगों को उन्होंने ही जगा के रखा है। तो हम चाहते थे कि कुछ अच्छा हो हमारे वैशाली नगर में, हमारे बच्चे लोग हैं जो, मैं बहुत सालों से एक चीज़ सोच रही थी कि हमारे वैशाली नगर में पैड मशीन नहीं है, क्योंकि यहाँ वैशाली नगर में जितने भी लोग हैं सब गरीब लोग हैं। जो आप 21 नंबर से ले करके आप जितने भी कैंप क्षेत्र में जाओगे, तो वे लोग कैंसर का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मूल सुविधा नहीं है। हमेशा नेता लोग एक ही बात करते हैं, पानी का, तालाब का, कुआँ का, यही सब। तो साफ करने का जिम्मेदारी उन्हीं लोगों का है, तो गंदगियों के पीछे ही चलते रहेंगे सालों साल, तो आगे का काम कैसे करेंगे? क्या विधायक जी पानियों की समस्याओं को सुलझाए नहीं है? आज अगर अपने पूरे वार्ड में, अगर टाउनशिप में देखा जाए, तो कहीं कोई कमी नहीं है। आज खुर्सीपारा से भी गए गुजरा हो गया हमारा वैशाली नगर। आज खुर्सीपारा में जाके हर वार्ड में देखिए उन्होंने कितना अच्छा बना के रखा है। जो उनको जो मिला था वार्ड, उन्होंने इतना अच्छा बना के रखा है, तो वैशाली नगर में क्या करते हैं? अब हम लोगों ने सोच लिया है और महिलाओं ने मन बना लिया है कि जो हम लोग महिलाओं के लिए ये मशीन की व्यवस्था करके उन महिलाओं के लिए देंगे, ताकि वो महिलाएं कैंसर से पीड़ित होकर ना मरे। उनके लिए वे अपने घर से थोड़ा सा सामान लाएंगे और उस मशीन से बना करके अपने और अपनी बेटियों, अपनी बहुओं के, हमारे बच्चों के लिए वो काम कर सके। गौरतलब है कि विभिन्न तीज त्योहारों पर एकता महिला समिति से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्वयं सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, साथ ही दूसरी अन्य महिलाओं को भी इसे तैयार करने राजू चंदा द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है, जिससे इन्हें बाजार के भरोसे निर्भर नहीं रहना पड़ता। महिलाएं स्वयं विभिन्न सामग्रियों को तैयार कर सजाकर उपयोग करती हैं। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।